अम्बाला छावनी की एल्डर होम में गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही वहां रह रहे बुजुर्ग लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए गए, साथ ही बुजुर्गों को मास्क भी मुहैया करवाए गए। यह कार्यक्रम प्रधान विकास सिंगला की देखरेख में हुआ, जिसमें सोसाइटी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सोसाइटी द्वारा किए गए कार्यों की एल्डर होम में रह रहे बुजुर्गों की ओर से भरी प्रशंसा की गई। इसके साथ ही रेड क्रॉस से कार्यक्रम अधिकारी मनोज सैनी की ओर से सोसाइटी व प्रधान विकास सिंगला द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। वहीं प्रधान विकास सिंगला बोले, महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ट्रेजर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से महात्मा गांधी की जयंती पर की गई यह अनोखी पहल। चित्र पर माल्य अर्पण करा, उसके बाद हमने बुजुर्गों में कपड़े बांधे। तो मैं यही कहता हूँ कि हमें और हमारे समाज के लोगों का एक फ़र्ज बनता है बुजुर्गों की सेवा करें। और मैं तो ये बात इस एल्डर होम के अंदर ये बात मैंने सीखी है कि अगर हम अपने बुजुर्गों के साथ कुछ करते हैं कल तो वो हमारे साथ भी है। तो गांधी जी ने भी एक हमें सत्य की प्रेरणा दी और अहिंसा के पुजारी थे वो। उन्होंने असह्य आंदोलन भी चलाया, सत्याग्रह भी करा, दांडी यात्रा भी निकाली, तो देश के लिए ही करा है उन्होंने। तो हमें भी अपने देश के लिए ये जज्बा होना चाहिए कि अगर देश के अंदर कोई भी भारी ताकतें आती हैं तो हम सबको एकजुट होना चाहिए। और कोरोना की महामारी है तो हमें सबको, अब मैं एक बार बार ये अपील करता हूँ कि मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग में रखें। और अपनी व्यापारी भाई, ये एक व्यापारियों का संगठन है और ये संस्था समाज के लिए हमेशा आगे आती है और आगे आती रहेगी, चाहे इसके लिए हमें दिन रात एक कर रहे हैं हम, और इसके लिए हमेशा तैयार है। कोरोना काल में भी हमारी जो सेवाएँ हैं वो सबको विदित हैं, चाहे वो मार्केट कमेटी के अंदर हो, दफ्तर के अंदर निगम कर्मचारियों को नहीं मिल पाया था तो हम पहले हमारी पहल थी, उसके बाद सिविल अस्पताल के अंदर भी, और चाहे प्रवासी श्रमिकों का खाना हो, तो राम जन्मभूमि हो, राफेल का मुद्दा हो, 15 अगस्त हो, हर एक मुद्दों पे इस संस्था ने आवाज़ उठाई है। और अभी हमने GST का वेबिनार करा था, अनूठी पहल करी थी हमने, तो ऐसे कार्य चलते रहेंगे। विकास जी, युवा जो हैं नशे की ओर बढ़ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को आज यही एक बार बार मैसेज देना चाहता हूँ कि नशा करना बहुत बुरी बात है। तो इससे एक वो अपनी युवा पीढ़ी ख़त्म हो रही है और युवा एक देश का भविष्य होते हैं, तो उनको नशे से दूर रहना चाहिए और उनको तनाव में नहीं आना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, मन लगा के काम करना चाहिए। और नशा कोई एक मतलब कि प्रॉपर एक चीज़ नहीं है कि उससे कोई हमें संतुष्टि मिल जाए, उसके बाद भी इंसान नशे से जागता है तो फिर भी उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लौटना ही पड़ता है। तो इससे एक युवा पीढ़ी को मैं कि ये संदेश देना चाहता हूँ कि नशे से बिल्कुल दूर रहे।